छत्तीसगढ़ में चुनावी काउंटडाउन के दौरान एक श्रमिक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से राजनीति सियासत तेज हो गई है। मोहला मानपुर में हुए भाजपा नेता बिरजू तराम की हत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग के साथ सुपारी किलिंग भी प्रारंभ हो गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता और दमदारी से इस चुनाव में कार्य करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता इस चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। हम लोग सब आहत हैं, छत्तीसगढ़ की जनता आहत है, क्योंकि उन्होंने अपना भाई खोया है। और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पे चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन किसी भी प्रदेश में जब चुनाव का माहौल होता है तो ये लोकतंत्र का महापर्व होता है। सारी ताकत केंद्रित हो जाती है जनता के हाथ में, और ऐसे समय पर सबसे पहले विनम्र श्रद्धांजलि हम अपने भाई को बिरजू तरम, जो हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या कर दी गई है, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी, आखिरी सांस तक लड़ेगी, और ये सुनिश्चित करेगी कि हमारे भाई के परिवार को न्याय भी मिले, त्वरित भी मिले। और ये जो कपटी सरकार है भूपेश बघेल की, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भूपेश बघेल मस्त है, तो मस्त नहीं रहने देंगे। इस प्रेस वार्ता की गूंज उन कानों तक पहुंचेगी जो लूट खसोट भ्रष्टाचार परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भूल गए हैं राजनीति में प्रतिद्वंदी होते हैं, शत्रु नहीं होते। आप हमसे सहमत ना हो, हमारा विरोध करें, हम आपका विरोध करें, ये तो ठीक है, लेकिन हत्या हो जाए और सरकार देखती रहे और मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द ना फूटे तो ये चिंताजनक है। मैं यही कहूंगा, ऐसा क्यों हो रहा है? हम सब जानते हैं संविधान का ज्ञाता होने के नाते कानून व्यवस्था जो है प्रदेश सरकार का विषय है। प्रदेश का विकास हो ये प्राथमिकता हर सरकार की होनी चाहिए, लेकिन इंसान की जान की अहमियत हो, सुरक्षित रहे जो नागरिक है, ये सुनिश्चित करने का दायित्व किसी का है तो वो प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री का है। और यहाँ भूपेश बघेल पूरी तरह से विफल हुए हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे भारत में, विश्व में क्या है? जो जनजातीय समुदाय है, जो संस्कृति है, वो कहीं से अगर निकलती है, उत्पन्न होती है, तो वो छत्तीसगढ़ से होती है। और ये बात इंगित करना चाहते हैं हम लोग इस मंच से, एक भाई हमारा मारा गया, वो जनजातीय समुदाय से आता है। जनजातीय समुदाय को निशाना बनाया जाए और मुख्यमंत्री मौन रहे, तो ऐसे मुख्यमंत्री का बने रहना अपने आप में शर्मनाक है। और मैं मांग करूंगा, मुख्यमंत्री जी वैसे भी आप कुछ दिन के मेहमान हैं, लेकिन इतनी शर्म करिए, इतनी मर्यादा रखिए। एक नागरिक जो इस प्रदेश का है उसकी हत्या हो जाती है, दो शब्द तो बोलिए, कार्रवाई तो करिए। कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और आज छत्तीसगढ़ की हालात वेस्ट बंगाल जैसे हो गई। चुनाव के दौर की शुरुआत होते ही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है, और आज औंधी के पास बिरजू तारम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहला के सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है। और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी, उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहां का स्थानीय प्रशासन दोषी है कि यदि इस प्रकार की बात करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो गई होती तो ये घटना रिपीट नहीं होता। इसलिए आज मैं आग्रह करूंगा और मैं कल उनके अंतिम क्रिया में, फ्यूनरल में सम्मिलित होऊंगा और हम सभी कार्यकर्ता उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।